ऑल राइट, सो हम लोग आज की क्लास में टेंसेस स्टार्ट करने वाले हैं. आई एम गोइंग टू बी टीचिंग यू टेंसेस. टेंसेस क्या होती है? आज हम थ्री टाइप ऑफ टेंसेस करेंगे. कौन से थ्री टाइप टेंसेस होते हैं? हु कैन टेल मी व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस? मैम पास्ट, पास्ट प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस. यस, आप सबको पता है पास्ट प्रेजेंट टेंस होता है, यस और नो? बट गाइस एक्चुअली पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस बहुत छोटी छोटी वाली टेंसेस हैं. उसके अलावा भी देयर आर मेनी अदर टेंसेस एंड मैं आपको डराना नहीं चाहती हूँ, बट आई एम एनीवे गोइंग टू शो यू व्हाट दोस टेंसेस आर. कैन यू सी दिस? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उसमें भी पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ऐसे टोटली कितने टेंसेस हो गए? तीन है बड़े बड़े जो टेंसेस है, उसमें भी छोटे छोटे और टेंसेस है. टोटल कितना हुआ? 4 × 3 मैम 7. 7 × 4 × 3 12. आप लोगों के पास 12 टेंसेस हैं जो आपको पढ़ने हैं. और बिलीव मी ये कंफ्यूजिंग है. ये 12 टेंसेस हैं, ये बहुत कंफ्यूजिंग है. हमको धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मेरे को भी ये पसंद नहीं था. जब मेरे को स्कूल में पढ़ाते थे मेरा दिमाग का दही हो जाता था. ओके, सो इसीलिए आज हम लोग इतना सारा डिटेल में नहीं करेंगे. हम सबसे पहले पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है वो जानेंगे और हम लोग थोड़े बहुत कन्वर्जेंस करना सीखेंगे टेंसेस में. उसके बाद जाके हम लोग वो कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस वो सारी चीजें सीखेंगे. और जिनको कंफ्यूजन आज होगा प्लीज बिलीव मी डोंट लीव द क्लास इन बिटवीन. अगर आप क्लास छोड़ के जा भी रहे हो तो प्लीज वॉच द रिकॉर्डिंग बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट. मिस कर दोगे बहुत प्रॉब्लम होगा. ओके, ऑल राइट. सो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव ये है दैट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई वर्ब. आप लोग को पता है ना वर्ब क्या होता है? जो एक्शन वर्ड्स होते हैं. Yes. है ना, जो भी ऐसा डूइंग वर्ड्स या एक्शन वर्ड्स. यस, सो हम लोग वर्ब्स को आइडेंटिफाई करेंगे. वर्ब मतलब ही इज रनिंग. ही इज रनिंग में वर्ब क्या है? रनिंग. गुड, सो यू नो व्हाट इज अ वर्ब. रनिंग, तो वो वर्ब का जो वर्ब से हम लोग का टेंस पता चलता है. ठीक है, तो हम लोग को वर्ब से टेंस पता करना है. हम लोग पहले वर्ब आइडेंटिफाई करेंगे, वर्ब से देखेंगे कि ये वर्ब अभी हो रहा है, पहले हुआ था या फ्यूचर में होगा. उस हिसाब से हम पता करेंगे कि कौन सा टेंस है. एंड वी विल बी सीइंग कि वो सेंटेंस में सर्कल कैसे करना है. देन यू विल बी एबल टू राइट अ सेंटेंस यूजिंग पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टेंस. तो हम क्या करेंगे, मैं आपको एक सेंटेंस दूंगी, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में है और उसको बाकी दो टेंसेस में कन्वर्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलू ही इज रनिंग, ये कौन सा टेंस है? ही इज रनिंग. ही इज रनिंग, क्या वो अभी भाग रहा है? अभी भाग रहा है या वो पहले भाग रहा था या कल भागेगा? ओके, आई एम गोना गिव यू थ्री एग्जाम्पल्स. ही इज रनिंग. मैम अभी हो रहा है. यस, ही वॉज रनिंग. ही विल रन. प्रेजेंट. ठीक है, ही इज अभी हो रहा है. तो आप में हाउस स्टेप्स क्या हो गए? आप टेंसेस कैसे हाउस स्टेप्स? प्लीज आई आस्क यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट इन सम टाइम. ओके, हाउस स्टेप्स नंबर वन, व्हेन इज द एक्शन हैपनिंग. आप खुद से पूछोगे कि ये एक्शन हो कब रहा है, क्या वो अभी भाग रहा है या कल भागेगा या कल भाग रहा था. ठीक है, फिर उसके बाद इफ द एक्शन इज हैपनिंग नाउ देन इट इज व्हाट टेंस. अभी अगर हो रहा है तो, अगर एक्शन अभी हो रहा है तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट. थैंक यू, प्रेजेंट टेंस. ओके, इफ
action has already happened. अगर एक एक्शन ऑलरेडी खत्म हो गया है, खत्म हो चुका है वो, मतलब वो पास्ट टेंस, अगर अभी हो रहा है, अभी चल रहा है वो चीज, वो एक्शन हो रहा है, एक्शन विल टेक प्लेस लेटर, देन इट इज फ्यूचर टेंस. सो नाउ टेल मी, ही इज रनिंग, क्या ये एक्शन अभी हो रहा है? या मैम. यस मैम. यस मैम. अदर्स? यस मैम. ऑल ऑफ यू से यस और नो, अनम्यूट एंड से. यस मैम. यस. सो ये कौन सा टेंस है? एवरीवन टुगेदर टेल मी. प्रेजेंट. 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 मुझे वही कुछ कुछ बच्चों की आवाज आ रही है, उन्हीं को मैं पॉइंट्स देती रहूंगी, ठीक है? आई वांट टू हियर अदर्स आल्सो. ही वाज रनिंग. ये कब हुआ? पास्ट. 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 टेल मी. क्योंकि वो भाग रहा था. वॉज रनिंग. मैम नेक्स्ट फ्यूचर. फ्यूचर मैम. नेक्स्ट फ्यूचर. ठीक है. फ्यूचर. गॉट इट? क्लियर ऑल ऑफ यू? मैम आई नो ऑलरेडी दिस इन स्टडी दिस फोर्थ स्टैंडर्ड. यू हैव स्टडीड दिस ऑलरेडी. यस आई नो, बट वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस बिफोर वी डू द मेन बड़ा बड़ा वाला पार्ट. ठीक है. ओके डन. सो कैन यू ऑल प्लीज टेक द पिक्चर ऑफ दिस, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड शेयर इट विथ योर ग्रुप्स. ओके. Take a screenshot, everyone. ये मैंने आपको एक example दिया. और ये आपके house steps है कि आप कैसे identify करोगे. Done? Okay. Can I clear it? Give me a thumbs up. Can I clear the screen? Yes, I'm getting a lot of thumbs ups. Yes, ma'am. Ajmal Mehak, Aisha Khanum, Chandru, Asfiya Taj, Aisha Taj. Not seeing thumbs ups from you. Nesika, not seeing a thumbs up from you. All right, I will continue now. ये clear कर रही हूँ मैं. I hope you've taken screenshot. जिसने भी screenshot लिया है, मेरे को दे देना, मैं group में forward कर दूँगी. ठीक है? Okay. So tenses होती क्या है? हम लोग को पता है कि tenses करना है हमको, but what exactly is tenses? Okay? So I will ask Nesika, can you please come off mute and read this on the screen? And everyone else will be on mute. Nesika, darling, come off mute, darling, please. Yes, ma'am, I send you. Thank you. Yes, Nesika, read this. Tense. Ma'am, I can read. At something. Yes. Place. Yes. Tenses show the time at which something took place. ठीक है. अभी जो मैंने आपको वो 9 चीजें, सॉरी वो 12 चीजें और दिखाई थी ना, वो हम बाद में पढ़ेंगे. वो टाइम ये भी बताएगा, टाइम भी बताएगा, और ये भी बताएगा ये एक्शन कंटिन्यू हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो दो चीजें होती है टेंसेस में, एक तो टाइम बताता है कि कब हुआ कोई एक्शन, और क्या वो एक्शन कंटिन्यू अभी भी हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है. तो यहाँ पर अभी हम लोग सिर्फ टाइम वाले, कंटिन्यूटी नहीं देखेंगे. देयर आर टू थिंग्स इन टेंसेस, टाइम एंड कंटिन्यूटी. तो हम लोग कंटिन्यूटी नहीं देखेंगे, हम सिर्फ टाइम देखेंगे आज. कंटिन्यूटी हम बाद में देखेंगे. हाय डार्लिंग. ओके, आई विल पॉज द वीडियो हियर. होने वाला है दैट इज बिकम. यस दैट इज बिकम व्हाट? Ma'am, that not started, ma'am, that want to start, that is the future tense, no? Yes, something that has not yet started, something that will start is future tense. Okay. So, हम लोग सिर्फ continuity को भूल जाते हैं आज की क्लास के लिए. हम सिर्फ टाइम देखेंगे कि ये action कब हो रहा है. तो आप आज की क्लास में प्लीज ये जो क्या हो गया एक्शन, क्या हो रहा है या होगा, ये क्लियर करके निकलना. ठीक है, ऑल ऑफ यू. Alright. अभी ये क्या है, डोंट गेट स्केयर्ड, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं ग्रुप में भी भेज दूंगी. तो यहाँ पे डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं वो लिखा है. ठीक है. अगेन पास्ट में एक्शन दैट हैज ऑलरेडी टुक प्लेस. तो सब्जेक्ट मतलब इंसान, जैसे मैंने बोला ही इज रनिंग. ठीक है.
तो लेट मी राइट दैट अगेन. ही इज रनिंग, ये एग्जाम्पल मैंने लिया था. इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मतलब कौन है इस सेंटेंस में? सब्जेक्ट कौन है? हु इज द सब्जेक्ट? पास्ट. ही इज रनिंग. ही सब्जेक्ट है ही. ठीक है, सॉरी, ही इज रनिंग प्रेजेंट में आएगा. ठीक है, सो यहाँ पे ही रैन और ही वॉज रनिंग. ठीक है, ही वॉज रनिंग और ही रैन. ठीक है, यहाँ पे ऐसी सेंटेंसेस आएंगी तो मतलब या तो पहले सब्जेक्ट आएगा, एक वर्ब आएगा. रनिंग हमारा वर्ब है, एक्शन वर्ड है, और कभी कभी हम लोग प्लस ईडी भी आता है. लेकिन हम रैंड नहीं लिख सकते ना, रैंड इज नॉट अ वर्ड. So maybe if I write something like any other example, we'll look at the other examples, like jo any other thing that is coming na, jo questions maine likhe usme bhi. But look at this, yahan pe they've given like a very beautiful example. The cat jumped onto the bed. Rest, ROS matlab rest of statement. Theek hai? So yahan pe ek example hai, subject kaun hai? Cat hai. सब्जेक्ट मतलब कोई भी इंसान या लिविंग थिंग है, जिसके भी बारे में, कोई फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं, कोई पेड़ के बारे में बात कर, जो भी है. एंड दैट इज अ नाउन. थैंक यू, इट इज अ नाउन. थैंक यू फॉर पुटिंग इट इन सच अ एकदम क्रिस्प वाला वे अर्शद. इट इज अ नाउन, एनी नेम प्लेस एनिमल थिंग. जिसने क्या किया, एक्शन उसका वर्ब प्लस एक ईडी. कुछ कुछ वर्ड्स में ईडी लगता है, कुछ कुछ वर्ड्स में नहीं भी लगता है. And rest of the statement onto the bed. ठीक है, यहाँ पे subject यानी noun cat आया. उसके बाद यहाँ पे is या are, sub is मतलब singular, are यानी plural में आएगा, फिर verb और ing, then rest of the statement. ठीक है, और यहाँ पे will आएगा क्योंकि वो अभी तक हुआ नहीं है, होने वाला है, तो will jump onto the bed. So you can take a picture of this. ये आपको हेल्प करेगा इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए. जहां पर भी विल आएगा दैट इज फ्यूचर, ये ईडी वाले वर्ड्स दैट इज पास्ट, आईएनजी वाले रनिंग, ही इज रनिंग, आईएनजी वाले वर्ड्स दैट इज प्रेजेंट. ओके, सो आई एम गोना पॉज हियर, आई एम गोना शो यू वन मोर पेज नाउ. ठीक है, उसके बाद वी विल स्टार्ट आवर प्रैक्टिस. सो नाउ यहाँ पे डोंट गेट स्केयर्ड, अगेन डोंट गेट स्केयर्ड. सेम थिंग जो भी मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया, सेम थिंग इज रिटन. आई विल गिव यू सम रीडिंग टाइम. ठीक है, सो यहाँ पे वर्ब्स इन पास्ट टेंस शो एक्शन दैट आर ऑलरेडी हैपेंड. मोस्ट वर्ब्स इन पास्ट टेंस एंड इन ई. मोस्ट वर्ब, नॉट ऑल वर्ब, काफी सारे वर्ब जो है ऐसे. फर्स्ट आई एम पुटिंग यू ऑन म्यूट, एवरीवन प्लीज गो ऑन म्यूट. ठीक है, तो यहाँ पे वी कैन गो ऑन. Please go on mute. Who is not on mute? Salman? Perfect sign. Gaya. Please be on mute. Okay? तो यहाँ पे टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस कैसे एंड होता है, वो सारे थोड़े से रूल्स लिखे हैं. ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है इसको. जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पॉज करो. बाकी लोगों को मैं 5 minutes रीडिंग टाइम दे रही हूँ, जो कि ऑफकोर्स रिकॉर्ड नहीं होगा. Okay, I'm gonna pause this video for 2 minutes. Second. Okay. All right. So now what I'm gonna do is I do wala part. You guys are just going to observe answers and all I've already written. So just observe how I'm changing one sentence into different tenses. Okay. And then we will practice these with 10 other sentences and thoda bahut. अपने आप से भी लाइक विल डू अ लिटिल प्रैक्टिस एंड यू विल हैव टू सेंड दैट वर्कशीट टू स्कूल. ओके, सो फर्स्ट वन, ही सर्च्ड फॉर द पॉट ऑफ गोल्ड. ठीक है, ही सर्च्ड यानी ईडी आ रहा है यहाँ पे. ईडी वाला वर्ड यानी पास्ट था ये, तो नाउ अभी आई हैव टू राइट दिस इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस. सो ही इज सर्चिंग. सो प्लीज नोटिस ये वाले ईडी आईएनजी, ही इज सर्चिंग. ING वाला वर्ड कि अभी वो चल रहा है, वो सर्च कर रहा है राइट नाउ. अगर आप लिखोगे ही सर्च्ड फॉर द पॉट ऑफ गोल्ड राइट नाउ, डजंट रियली मेक सेंस. ठीक है, तो ही इज सर्चिंग फॉर द पॉट ऑफ गोल्ड राइट नाउ, दैट बिकम्स माय प्रेजेंट टेंस. ही विल
सर्च फॉर द पॉट ऑफ गोल्ड टुमारो. ये मैंने एक्स्ट्रा रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट है ये, ठीक है. ये विल सर्च इज माय मेन सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट आ रहा है यानी नाउन आ रहा है, ठीक है. वर्ब आ रहा है सर्च. ही विल सर्च फॉर द पोस्ट पुट ऑफ गोल्ड टुमारो. पॉट ऑफ गोल्ड, ये है रेस्ट ऑफ स्टेटमेंट आर ओ एस, ठीक है. जो हमने वो उधर पढ़ा था ना, दिस इज द आर ओ एस. ही विल सर्च आ गया, वर्ब आ गया. वो उसमें हमने बताया था ना, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ स्टेटमेंट. तो आ गया सारे एलिमेंट्स कवर्ड. इसमें भी यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आया, इस वर्ब प्लस वर्ब आया प्लस आईएनजी आया प्लस प्लस व्हाट इज दिस नाउ आर ओ एस आर ओ एस यस प्लस रेस्ट रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट. मैं लिख देती हूँ यहाँ पे रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट. बाकी का स्टेटमेंट जितना भी उसके एंड में जो टेल की तरह पूंछ की तरह रहता है ना वो मैम. सो दैट इज शॉर्ट फॉर्म में लिखा है उसको बस, ठीक है. तो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स मेरे आ रहे हैं. उसके बाद नेक्स्ट वाला हम करते हैं. She is smiling at her student. स्टूडेंट, ओके. तो वो क्या कर रही है अपने स्टूडेंट से? She will smile at her student tomorrow. मैम, तो आपको समझ आया यहाँ पे विल आप लगा रहे हो, विल स्माइल, वो कल स्माइल करेगी. मैम उसने स्माइल किया था यस्टरडे, कल. ईडी आ गया यहाँ पे और यहाँ पे विल आ गया और यहाँ पे आईएनजी आ गया, ठीक है. यस मैम, ठीक है. अगर मैं रन वाला अगर मैं रन वाला वर्ड यूज कर रही हूँ तो कुछ वर्ड्स होंगे जिसमें ईडी नहीं लगेगा, ठीक है. तो जैसे रन वाला हो गया, उसका रन इज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस. मैं ऐसे लिखूंगी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ठीक है. तो पास्ट में आएगा रन, ओके, और विल रन विल बी द नेक्स्ट वन. तो रन नहीं आएगा, आर यू एन ई डी नहीं आएगा. कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें ईडी नहीं लगता है, कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें ईडी लगता है. मोस्ट ऑफ द वर्ड्स में आप ईडी लगा सकते हो. रन 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 विल रन, ठीक है. नाउ अभी हम लोग वी डू वाला प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं, ठीक है. आई मैम, शी विल जंप. वन सेकंड, ओनली वसीम इज आंसरिंग. आई विल आस्क एवरीबॉडी. वसीम विल गो ऑन म्यूट नाउ. यस मैम, प्लीज गो ऑन म्यूट. वसीम अमेजिंग, आपने बहुत अच्छा आंसर किया. अभी मैं एक एक को पकड़ के बोलूंगी कि आंसर करो. ओके मैम, एंड देन वी विल डू अ छोटा सा ब्रेकआउट रूम ऑल्सो जब आपका यू डू वाला प्रैक्टिस आएगा, ठीक है. उनसे पूछूंगी, बाकी जितने भी लीडर्स हैं मेरे वो लोग चैट बॉक्स में अपना आंसर लिखते जाएंगे, ठीक है. तो सबसे पहला हमको वर्ब दिया है यहाँ पे. प्रेजेंट टेंस में हमको वो वर्ड लिखना है, पास्ट टेंस में लिखना है और फ्यूचर टेंस में. उसका आगे का स्टेटमेंट कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, हम बस इस वर्ब को पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो आई विल आस्क अर्शद टू कम ऑफ म्यूट. ओनली अर्शद विल कम ऑफ म्यूट. अर्शद प्लीज कम ऑफ म्यूट. व्हाट मैम? यस, कैन यू हेल्प मी कन्वर्ट दिस वर्ब इनटू प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर टेंस? यस. ओके, टेल मी जंप करने का प्रेजेंट टेंस क्या होगा? शी हैज जंप. शी हैज जंप. Yes. But she is doing it right now. So present tense में हमने देखा था ना, एक last में क्या लगता है? She is jumping. Very good. She is jumping. Ma'am, I tell ma'am first. Ma'am, I tell ma'am. I know. Mm. Please be on mute. I will pick out. Hajira, Arshad, I'm giving both of you points, but next time don't talk out of turn. Okay? They are
Arshal and Hajira, good. She is jumping. Now we look at the past one. Safiha, tell me the past tense of this. Tell me the past tense, Safiha, only Safiha. Others can put it on chat box. I am seeing your responses. Good, Umez. She will jumping. She will jumping. Past tense. Usne kar liya hai ya? She jumping. Only Safiha. She jump. Only I am seeing a lot of responses. Amazing on the chat. You are sending it to me. Those kids who are sending, perfect. Ma'am, my tell. Shahid, correct that. My tell. She jump. Safiha, already wo she, action ho gaya she hai. Did yesterday. She jumped. She no, jumped. Just don't say yesterday and all. Just say she jumped. Baad mein kya lagega? Jump. Jumped. ED. Jump. Jumping. Already jump karke khatam kar de usko. Yes, she jumped. Okay. Now, next one. Who I will pick out somebody. Simran will tell me. Guys, I'm really loving it. आप लोगों को समझ आ रहा है अच्छे से, good. जिनको समझ नहीं आ रहा है खुद से हाथ रेज करो, मैं आपकी हेल्प करूंगी आंसर करने में, तभी आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस में ही समझ आएगा. A lot of people are raising hand. Manan and Shahid, I expect your answers on the chat. Okay? Yes. She will jump. Abdul Shahid. She will jump. She will jump. Arshad, good, but be unmute now. Abdul Shahid? Abdul Shahid? That question answer, that tumhe usse diye na was question. Yes, ye future tense mein jump ka kaise word aayega? Future yes. tense mein. Future tense mein. She is jumping. She is jumping already ho gaya. Wo present hai. Aur abhi jump kar rahi hai. Hai na? Future mein wo jump karegi. Ma'am, she jumping. She is jumping. अगर आपको आ, बोलना है कि मैं कल कूदूंगी तो कैसे बोलोगे मैम में? तुम्हारा है क्या जंप? तुम्हारा है क्या जंप? आई कैन आएगा? शी फर्स्ट जंप. आई तुम्हारा है क्या जंप? Tomorrow I can jump नहीं होगा. Ma'am, she will jumping tomorrow. She will jump. What is that word? I'm giving you a letter. She will jumping tomorrow. Will. Will. She will jumping tomorrow. I will jumping tomorrow. I will jump. I will jumping tomorrow. I tell you. Jumping. Okay. Let me make this. Tomorrow. One second. I will jump tomorrow. नहीं आएगा. I will jump. I will jump tomorrow. She will jump tomorrow. Tell correct only. Yes. Some of you are saying correctly, but I can jump tomorrow. नहीं आएगा ना? Will आएगा. He is sit. Ma'am, he is sit. Okay. Now all done. I sent you all in chat box. Is sitting. I am seeing chat box also every now he and is then. Sitting. Go he on is mute. Sitting. Go on mute. Remember, isko aise yaad rakho present, past, future. ठीक है या फिर actually आप order में याद रखते हैं. कोई भी order pick कर लो. Present, present तोहफा वाला present पहले. ठीक है तोहफा हमारा सबसे पहले आएगा. ऐसे याद रखो. Present हम पहले रख रहे हैं. फिर past रख रहे हैं. फिर future रख रहे हैं. PPF, ठीक है? So present gift वाला present हम पहले रखते हैं, first वाला P is तोहफा वाला, उसके बाद past, फिर future. तो यहाँ पे आप नीचे लिख लो इसके ing, ed, will. Sit, he is sitting. ओके मैं पिक आउट करूंगी. अगर आप आउट ऑफ टर्न बात करोगे तो फिर सबको मुझे चांस देना है ना गाइस. आई नो सम ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, बट जो लोग बात नहीं कर रहे मैं उनको भी आंसर करने को बोलूंगी. ठीक है जैसे आलिया आसिया बी रेडी. आई नो डार्लिंग, कैन यू प्लीज पुट योर आंसर्स ऑन चैट बॉक्स. ओके अर्शद एंड अर्शद वसीम एंड हाजिरा.
आप तीनों का मुझे पता चल गया कि अरशद, वसीम, हाजिरा बहुत अमेजिंगली समझ गए हैं. ओके, कैन यू प्लीज पुट योर आंसर्स ऑन चैट बॉक्सेस नाउ आफ्टर दिस सो दैट आई कैन गिव चांस टू अदर्स, ताकि मैं सबको सिखा के भेज सकूं इस क्लास से. ओके, बस ये याद रखो INGED विल. ठीक है, ऑल राइट. नेक्स्ट आई विल आस्क आलिया कम ऑफ म्यूट. बाकी लोग चैट बॉक्स पे प्लीज. ही इज हियर सिटिंग. ये किसने बोला? आलिया ने, है ना? यस मैम. वेरी गुड. ही इज सिटिंग. नेक्स्ट असफिया ताज. गुड आलिया, गुड. असफिया ताज नेक्स्ट. अर्शद गो ऑन म्यूट डार्लिंग. हाजिरा गो ऑन म्यूट, बैकग्राउंड से आवाज आ रही है. Asfiya Taj, I'm going to help you. Asfiya, come off mute. Sit. Yes, ma'am. I will tell. Chat box. Asfiya Taj will. Guys, simple rule. जिनका नाम लिया है वो जोर से बोलेंगे, बाकी लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे. और चैट के बाद मैं देख रही हूँ कौन कौन कॉन्स्टेंटली आंसर कर रहे हैं. Arshad has given me पूरा थर्ड वाले का भी आंसर. Asfiya Taj. So I give yes, you first. So. Yes, I, yes, Umez, I'm seeing your answer. Amazing, you guys have got it. Okay, one second. Aisha Khanum, check your answer for this one. Aisha Khanum has to check her answers. Okay. Kya yahan pe seated aayega? Yes, ma'am. Aisha, Asfiya, sorry. Yahan pe seated aayega kya? No, ma'am, I get mistake. Asfiya Taj, tell me, क्या यहाँ पे he seated आएगा? Yes, ma'am. Okay, who thinks कि यहाँ पे seated नहीं आएगा? Give me a thumbs up. जिनको लगता है यहाँ पे seated नहीं आएगा. Ma'am, give me chance, ma'am. I can tell, ma'am. Darling, please put on chat box. Now, I want to give chance to everybody, but understand. Ma'am, said. कितने लोग दिख रहे हैं? Said. Yes. प्लीज टेल मी, जिनको लगता है कि यहाँ पे सिटेड नहीं आएगा, सब लोग जिनको लगता है सिटेड नहीं आएगा, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी एक साथ यहाँ पे क्या आना चाहिए. सेड. सेड. ठीक है, सिटेड कोई वर्ड नहीं होता है. ये वो रैन वाला केस है. रन, रैन. ठीक है, तो सिट, सैट. ठीक है, तो यहाँ पे जंप jumped होगा, sit sat होगा, run ran होगा past में. तो कोई बात नहीं, अगर आपको लग रहा है कि ये मुझे कैसे समझ आएगा word का कहाँ ed लगाना है, वो आप जब English language बात करने लगोगे ना, तभी आपको धीरे धीरे आएगा. A lot of raised hand I am seeing. Guys, I'm really sorry अगर मैं आप सबको answer नहीं पूछ पाऊँ. Please understand and put it on chat box. I am looking at the chat box. Okay. Amazing, Alia and Vaseem are sending me on chat box. I'm super proud of you. Next, I will pick out. Asfiya Banu is here. My answer is correct, not sad. Yes, Arshad, your answer is correct. Okay, okay. Simran will come off mute. Simran, wow, this class is doing amazing today. I'm loving it. आप लोग कितना organized मेरी बात सब सुन रहे हैं. Simran, come off mute, darling. I will help you. I am coming. Simran, are you here? Okay. Is this Sayed Sahil here? No, he is not. Salman, aap answer karoge? Simran is not here, ma'am. Salman will try then. Salman, chalo. Main aapki help karne wali hu. Aa jao. Unmute yourself. Salman. Ma'am, he will sit. Yes, ma'am. Arshad, out of turn. I'll have to start giving minus points, which I don't want to do. Okay? Don't make me. Okay, Salman is off mute. Salman, abhi isme future tense, yani wo agle din baithega. Usko hum kaise likh sakte English mein? Try karo. Sitting. Sitting हो गया. यहाँ पे ये देखो आईएनजी, ईडी और विल. तो हम फ्यूचर टेंस में क्या लगाएंगे?
F के नीचे क्या लिखा है? We will sitting. Who is that? Don't come off mute and answer ऐसे. I'm seeing chat box में some answers are there. What man? I'm seeing chat box में there are some answers. Salman, यहाँ पे कौन सा word आएगा? He. He. Salman, try. I. I. यहाँ पे जाने के फ्यूचर में यहाँ पे क्या आएगा? ये देखो. W I. इसको क्या कहते हैं? Warning. Well. He will. Warning. Will. He will sitting. He will sitting again. आप लोग. He will के साथ ing क्यों लगा रहे हो? He will sit. He will sitting. He will sit. Salman got it. आप फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस को मिक्स नहीं करो मैम. ही वांट्स टू सिट मैम. मैम ही वांट्स टू सिट. वो उसको चाहिए. अगेन अगेन गाइस यहाँ पे अगर ही वांट्स टू सिट. गो ऑन म्यूट एवरीवन. गो ऑन म्यूट. अगर यहाँ पे ही वांट्स टू सिट आएगा तो उसमें वांट्स वो वर्ब होगा. फर्स्ट वाला जो एक्शन वर्ड होता है वो वर्ब होता है. ठीक है. ही वांट्स उसको चाहिए वो एक्शन वर्ड होगा. तो ही वांट्स टू सिट कहीं नहीं आएगा. ही वांट्स टू सिट विल बी प्रेजेंट टेंस. ठीक है. वरी इज वर्दिंग. ही इज वरीइंग. गुड अमेजिंग. वन सेकंड ना मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. ही इज वरीइंग. ऑल माय लीडर्स हु आर साइलेंट एंड हु आर हेल्पिंग मी आउट आई एम डेफिनेटली गोना गिव यू पॉइंट्स. So don't worry about your points. Next is he. We worried. Clap for yourselves. He worried. ठीक है. Next question. Ma'am, we will worried. Will worried. Stop it. I am so proud of you all. Okay, you can take a screenshot of this. Chat box mein. Amazing. Aisha also is answering. Alia is also answering on chat box. You guys are perfect. Aaj ki class is amazing. ओके डन हो गया. ये पिक्चर आई विल शेयर इट ऑन द ग्रुप. हाँ ओके. रिस्पॉन्सिबल बच्चे बन गए हैं मेरे. ओके नाउ अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे. वन सेकेंड स्टॉप हो गया शेयर. ओके अगेन ये वीडू वाला पार्ट हम साथ में करेंगे. उसके बाद ये यूडू वाला पार्ट है. ये डिस्कस ये आपका वर्कशीट है बाय द वे. ठीक है. ये हम रिकॉर्ड नहीं करने वाले हैं. सिमिलरली ये सारे जो सेंटेंस है ना मैं आपको बताऊंगी इसमें क्या करना है. बट इसको करने से पहले वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस. ठीक है. यहाँ पे हमको एक सेंटेंस दिया है उसका टेंस भी दिया है. सॉरी उसका टेंस हमको फाइंड आउट करना है. यस यू हैव टू फाइंड द टेंस एंड उसको इस सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करना है. इस सेंटेंस को पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है. What fifth one is? Drumming. Past two. Present. Gaming. Okay. I will ask Safiya actually. Can you all go on? Today. Tell me which tense this is on the chat.
ऑन द चैट अदर्स टेल मी ऑन द चैट कि ये कौन सा टेंस है और सफिया अनम्यूट करके बताएगी मुझे कि ये कौन सा टेंस है अदर्स ऑन द चैट ईडी द पेरिस ट्विंस अबाउट अ न्यू इन्वेंशन मैम एक्चुअली यहाँ पे कोई टेंस दिया नहीं एक सिंपल स्टेटमेंट है हमको इसको प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करना है सॉरी दैट्स माय मिस्टेक ये सिंपल सेंटेंस है हमको बस इसको प्रेजेंट टेंस में रीराइट करना है सफीहा कैन यू टेल मी हम इसको रीराइट कैसे कर सकते हैं ड्रमिंग ड्रमिंग ड्रीम है वो वसीम आउट ऑफ टर्न ड्रीमिंग माइनस पॉइंट प्लीज यूज द चैट बॉक्स आई एम आस्किंग ओनली सफीहा अदर्स विल बी ऑन म्यूट I'm seeing that some people are for drumming, ma'am. Drum नहीं है ये dream है darling. Okay, dreaming. So complete the whole sentence. Tell me the full sentence starting. Safiha, tell me the full sentence starting से. Safiha will come off mute. Nobody else. Others, I'm seeing some answers on chat box. The prize teens dream about a new invitation. Invention. Invention. इसको present tense में convert करना है तो क्या आएगा the Paris twins present tense में अभी वो लोग कर रहे हैं कुछ is are twins मतलब दो जुड़वा लोग Okay. तो इज आएगा या आर आएगा आर आर गुड पेरिस ट्विंस आर मैम क्या नहीं चैट ओमेस आर ड्रीम को अभी प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करना है तो क्या लगेगा वहां पे जनरेटर मैम ड्रीम ड्रीमिंग ठीक है अमेजिंग क्योंकि यहाँ पे ट्विंस है तो आर आएगा तो आई विल क्विकली टेक यू ओवर टू दिस वन यहाँ पे देखा आपने यहाँ पे इज और आर ये प्रेजेंट टेंस में इज और आर प्लस आई एन जी तो आर तब आया जब हमने दो लोगों के बारे में दो लोगों के लिए बात आर इज प्लूरल इज इज सिंगुलर नेक्स्ट गुड 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 अटेम्प्ट ओके नेक्स्ट वन आई विल पिक आउट समबडी जिसने बिल्कुल नहीं बात किया है उमेश नेसिका I know you are giving me answers on the chat box. Arfat is giving me answers. Ma'am, I now tell one answer also. Arshad, I know you have understood perfectly. You are my smart bacha. Please put on chat box na. So that okay. I know. मेरे को क्या कर रही हूँ ना मैं अभी मैं पकड़ रही हूँ उन लोगों को जो लोग आंसर नहीं करते हैं तो मुझे उन लोगों को पकड़ने दो लेट मी कैच देम नेसिका नेसिका Do not ask me that question. You know the class timings. It's still 1 o'clock. So you have half an hour now. ठीक है? अगर जल्दी हो से तो मैं जल्दी छोड़ दूंगी. But don't ask me that question. Yes, Nesika. We have to convert this in past. Yes. बोलो study को convert करना है past में. They studied. Laws यानी rules laws of motion आप लोग पढ़ोगे अपने 9th क्लास में ठीक है laws of motion क्या होता है ये साइंस में आता है तो वो आप नेक्स्ट 9th क्लास में पढ़ोगे ठीक है बट गुड द करेक्ट वर्ड यहाँ पर है स्टडी टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एज वेल सो दैट यू ऑल कैन राइट इट इन योर नोटबुक आपके पास टेंसेस हमेशा हमेशा के लिए रहेगा फिर यस मैम ओके
I'm clearing this in 5, 4, 3, 2, 1. Next thing that we are going to do is your practice. I can even, if you want, I'll put you in breakout rooms as well. If you want. No. So, I'm underlined the names. No. So, number one is a playing past presentation. Number two is a past. No, don't give me answer. Don't give me answer now. Let me give you instructions first. Ma'am. Ashid is so excited. Ma'am, is there going to be a question? इसके बाद मुझे पता नहीं आपका कनाडा हिंदी क्लास होगा कि नहीं. ओके गाइस, पहले मुझे इंस्ट्रक्शन. हिंदी क्लास इज देयर. गो ऑन म्यूट, गो ऑन म्यूट, गो ऑन म्यूट. 5. मैम ये कैसे करना सो बता रही हूँ ना, सुनोगे तभी पता चलेगा, इसलिए म्यूट करो. 3, 2, 1. अर्शद, यू आर नॉट ऑन म्यूट. 0 तक एवरीबॉडी शुड बी ऑन म्यूट. ZER O. ओके, मैं आपको यहाँ पे अभी इंस्ट्रक्शंस दूंगी. हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे जहां पे मैं आपकी फिर से अटेंडेंस लगाऊंगी, उसके बाद आप ये स्टार्ट करोगे. ठीक है, तो यहाँ क्या है, आपको 10 सेंटेंसेस दिया है. अगेन बी ऑन म्यूट, फर्स्ट लिसन, देन आई विल आस्क. किसी को भी मैं बोलूंगी इंस्ट्रक्शंस रिपीट करने को. ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे 10 सेंटेंसेस दिए. आप हर एक सेंटेंस को लोगे, आप लिखोगे कि ये कौन सा टेंस है. आपको क्वेश्चंस लिखना है, यस. डू नॉट आस्क मी कि मैम क्वेश्चन भी लिखना है क्या. यस, यू हैव टू राइट क्वेश्चन. आई एम डूइंग द फर्स्ट वन फॉर यू. प्लीज एवरीवन बी ऑन म्यूट. Somebody इज नॉट ऑन म्यूट. मैम आशा डार्लिंग, गो ऑन म्यूट. मैम मैम ओके, यू आर नॉट ऑन म्यूट. आशा, पुट योरसेल्फ ऑन म्यूट. यू हैव अ क्वेश्चन, आई विल टेक योर क्वेश्चन. ए नवंबर, आई विल टेक योर क्वेश्चन. डाउट्स मैं लूंगी, मैं अनदेखा नहीं कर रही हूँ आप लोगों को, मेरे को इंस्ट्रक्शंस रिपीट करने दो. ठीक है, सबसे पहला जो है, एडवार्डो इज प्लेइंग हिज फेवरेट वीडियो गेम. यहाँ पे आप लोग आइडेंटिफाई करोगे कि ये कौन से टेंस में ऑलरेडी है. यहाँ पे ई आई एन जी लिखा है, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट. थैंक यू. इट इज खाली मैम प्रेजेंट ये अगर को लिखना सो मैम. हाँ, ब्रैकेट में लिखोगे कि ये प्रेजेंट टेंस में मैम. इन सेकंड और भी है, आगे और भी है, प्लीज लिसन. आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये प्रेजेंट टेंस में है, तो आपने प्रेजेंट टेंस यहाँ पे लिख दिया. अभी बाकी दो टेंसेस कौन से बचे यहाँ पे? पास्ट एंड फ्यूचर. तो आप इसी सेंटेंस को अभी पास्ट टेंस में कन्वर्ट करोगे और फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करोगे. ओके, सेम वे में हर एक का आप टेंस लिखोगे. बेनी शार्पन्ड ऑल हिज पेंसिल्स आफ्टर स्कूल. कौन गिव मी आंसर, ये कौन सा टेंस है वो लिखोगे. उसके अलावा बाकी जो दो टेंस है उसमें आप ये पूरा स्टेटमेंट कन्वर्ट करोगे. आप सिर्फ एक वर्ड, जैसे आपने चैट बॉक्स में काफी लोगों ने मुझे सिर्फ एक एक वर्ड को कन्वर्ट करके दिया ना, नहीं, पूरा सेंटेंस आप लिखोगे पास्ट टेंस में, पूरा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में. तो हर एक क्वेश्चन में आप तीन चीजें कर रहे हो. नंबर वन, यू आर राइटिंग कि ये कौन सा टेंस है. अरे आंसर था वो, थैंक गॉड किसी ने नहीं देखा. नंबर वन आप लिख रहे हो कि ये कौन सा टेंस है. नंबर टू आप ये लिख रहे हो, बाकी दो जो टेंसेस है उसमें कन्वर्ट कर रहे हो. सो थ्री थिंग्स विल बी देयर इन ईच ऑफ द क्वेश्चन. ओके मैम. आप मेरे को आंसर्स नहीं दे रहे हो, आप बाकी सब लोगों को आंसर्स बता रहे हो, ये चीटिंग होगा. मैम एक क्वेश्चन को तीन तीन बनाना सर. यस, एक क्वेश्चन को आप आइडेंटिफाई करोगे टेंस कौन सा है, ब्रैकेट में लिखोगे ये टेंस है. ठीक है, तो मैं अगर आंसर अगर मुझे लिखना हो तो मैं आपको फर्स्ट वाला करके दे रही हूँ ताकि आप में से कोई कंफ्यूज ना हो. देन मैं आपको इंस्ट्रक्शंस रिपीट करने को बोल रही हूँ. ये आपका वर्कशीट है. ठीक है, ये वाला जो है फर्स्ट वाले का आप लिखोगे प्रेजेंट टेंस. ठीक है, देन पास्ट टेंस में ऐसे लिखोगे, पेस्ट टेंस लिखा है मैंने, वेरी गुड. पास्ट टेंस में आप लिखोगे एडवार्डो. Please be on mute. Don't come off mute. I will take your questions. Eduardo played his favorite video
game. Then future tense. Eduardo will play his favorite video game. देखा मैंने सिर्फ एक वर्ड नहीं कन्वर्ट किया, मैंने पूरा सेंटेंस लिखा है. गॉट इट? थ्री थिंग्स वी आर राइटिंग इन ईच क्वेश्चन. ओके दैट्स ऑल. आपका ये फर्स्ट का आंसर मैंने ऑलरेडी बता दिया है. बाकी नाइन के आप लोग ऐसे ही आंसर्स लिखोगे. आई विल गिव यू वर्क टाइम. ये वाला पार्ट वीडियो में रिकॉर्ड नहीं होगा, ये पार्ट सबको खुद से करना है. वीडियो में अभी स्टॉप कर रही हूँ, ठीक है? Everyone will send me pictures as well. आप लोग अपने volunteers को भी pictures भेजोगे, ठीक है?